इस वीडियो में हम बताएंगे एल सेक्शन लेवल लिस्ट कैलकुलेशन टूल में एल सेक्शन लेवल लिस्ट का यूज। यहां से आप सेंट्रल लेवल प्राप्त कर सकते हैं जो क्रॉस सेक्शंस बने हुए हैं लेयर वाइज, इसको हम कॉपी विद हेडर कर सकते हैं। एक्सेल में आप पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप सेंटर लेवल के क्रॉस सेक्शन के सेंटर लेवल प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए, आप यहाँ ऑटो फिल लेवल्स, दो ऑप्शन हैं, ऑल लेयर सेलेक्ट लेयर। एग्जांपल के लिए आपके पास इससे आप ग्रेड मार्क कर सकते हैं। ये देखिए, एल सेक्शन लेवल लिस्ट में आप ग्रेड मार्क कर सकते हैं, जैसे 0 चयन से 225 तक आप ऑटो फिल इन सेलेक्टेड सेल्स दबाएंगे तो इसी चयन का आपको लेवल प्राप्त हो जाएंगे। यदि पूरे लेयर का चाहिए तो आप यहाँ सेलेक्ट लेयर कर सकते हैं टॉप लेवल का, तो टॉप लेवल का ही। ये देखिए, मिडिल लेयर के कुछ मैं लेवल हटा देता हूँ, आपको सिर्फ टॉप लेयर के ऑटो फिल करना है चैनेज, तो आप यहाँ सेलेक्ट लेयर टॉप लेयर लेवल चुने और ऑटो फिल लेवल करें। तो ये देखिए, ऑटो टॉप लेवल के ही ऑटो फिल हुए हैं। राउंड का प्रयोग कर सकते हैं, राउंड के प्रयोग से जैसे 99.316, 99.381 ये सब लेवल आ रहे हैं तो इनको हटा सकते हैं, इनके राउंड कर सकते हैं, अर्थात 0.005 में या 0.00। एग्जांपल के लिए देखिए, राउंड कीजिए सेलेक्ट लेवल, ये देखिए 99.32, 99.38, 99.64, अर्थात लास्ट डिजिट या तो 0.005 होगा या 0.000 होगा। इसी तरह ऑल लेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें जितने भी लेयर हैं सबके ऑटोफिल, जो बीच के लेवल गायब हैं उनको ऑटोफिल कर देगा, इससे आप ग्रेड मार्क कर सकते हैं। रिप्लेस करने पर सभी क्रॉस सेक्शन के सेंटर पे ये लेवल पहुंच जाएंगे, ये रिप्लेस हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए हमने कुछ सेंटर लेवल यहाँ देखिए, 0 पे 99.025 है, 25 पे 99.316 है। ये देखिए, अभी मैं इसको 99.50 करता हूँ, रिप्लेस ओके करता हूँ। ये देखिए 99.50 25 पे ये रिप्लेस हो गया। इस तरह से आप सेंट्रल लेवल रिप्लेस कर सकते हैं, और यहाँ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाहर से सेंट्रल लेवल लाके। अब हम बताते हैं इंक्रीज वैल्यू। अगर आपके पास कोई लेयर है जैसे मिडिल लेयर है और आप चाहते हैं कि इस मिडिल लेयर में सोर्स लेयर, जैसे टॉप लेवल चुना आपने, ये सोर्स लेवल है, इसमें 0.5 की वैल्यू ऐड हो जाए और वो मिडिल लेयर में जाए ऑल चैनेज, तो अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्ट चैन के लिए आप चैनेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अप्लाई। ये देखिए, सिर्फ इन्हीं चैनेज पे ये लागू हुआ है, ऑल चैनेज करने पे ये पूरे में टॉप लेयर में 0.5 ऐड कर दिया और वो मिडिल लेयर में चला गया। ये सोर्स लेवल है,
एड वैल्यू 0.5 है और एड वैल्यू इन लेयर मिड लेयर सेलेक्ट किया। इस तरह से आप कोई भी लेयर क्रिएट कर सकते हैं प्लस माइनस करके। माइनस के लिए माइनस 0.1 करेंगे, अप्लाई देखिए हो गया। नेक्स्ट बटन फाइंड एंड इंसर्ट सेंटर लेवल। फाइंड एंड इंसर्ट सेंटर लेवल का यूज एग्जांपल के लिए आपके पास स्टेम 0 से लेके और 2000 मीटर तक अर्थात 2 किलोमीटर का आपके पास क्रॉस सेक्शन बने हुए हैं और आपके पास कोई एल सेक्शन लेवल लिस्ट है जो कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, और उसमें से आपको 2 किलोमीटर का डाटा ही चूज करना है और उसमें से भी कुछ चैनें जैसी हैं जो आपके इस एल सेक्शन लेवल लिस्ट में नहीं है। एग्जांपल के लिए 50, 75, 100 आपके पास लिस्ट है, उसमें 80 भी है, ये देखिए 80 के चैनेज है लेकिन उसमें नहीं है और ये आपको यहाँ फीड करनी है। अगर आप कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ 75 है, 100 है, 80 नहीं है। अगर आप यहाँ से कॉपी पेस्ट लाए इस तरह से यहाँ आपने पेस्ट किया टू मच रो कॉपीड, क्योंकि जितनी रो थी उतनी रो नहीं मिली, डाटा गलत हो सकता है, इसलिए आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट का यूज ना लेके फाइंड एंड इंसर्ट सेंटर लेवल का यूज करें। इसमें चैनेज कॉपी करें, आप चैनेज चाहे 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर सारा का यूज कर सकते हैं। जिस लेयर में आपको डाटा इंसर्ट करना है उस लेयर में लेवल कॉपी करें। एग्जांपल के लिए ये देखिए मिड लेयर में ये डाटा मिड लेयर में चला जाएगा। चेक एरर, 80 की चैनेज उसमें नहीं है, 320 की नहीं है, ये देखिए ये चैनेज इसको छोड़ देगा और स्टार्ट इंसर्ट करेंगे क्योंकि इसमें ये लेवल पहले से थे इसलिए वो लेवल ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गए। इसको खाली करके करेंगे ये देखिए चेक 80 की नहीं है, 99.25, 250 पे 99.905 स्टार्ट, ये देखिए 0 पे 99.25, 250 पे 99.905। इस फॉर्म का यूज आप कितने भी किलोमीटर की एल सेक्शन सेंटर की लिस्ट आपके पास हो, फॉर्मेशन की, एग्जिस्टिंग की, जो भी है, उससे आप इन सेलेक्टेड चैनेज पे ही फाइंड करके लेवल इंसर्ट हो जाएंगे। ऑटोफिल कैलकुलेटर, ऑटोफिल कैलकुलेटर आपको आप 0, 25, 100 ये आपके कैलकुलेटर सिर्फ उसके लिए है बीच के लेवल प्राप्त करने के लिए, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इसका यूज आपको चेक करने के लिए है और किसी के लिए नहीं है। ये ऑटोफिल हो गया, ये सिर्फ आपको ऑटोफिल कैलकुलेटर है। चेक एरर, टेक्स्ट वैल्यू एरर, रिमार्क है। रिमार्क का यूज सिर्फ आप टेक्स्ट लिखने के लिए करें और किसी काम के लिए नहीं करें, नहीं तो एरर आ सकती है। रिमार्क में आप जैसे यहाँ एक्स ये एडिटेबल नहीं है रिमार्क, इसमें आपने ऑटोफिल देख लिया, इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं ऑल लेवल। ये देखिए ये सभी सेंटर के लेवल इसके हिसाब से इंसर्ट हो गए। अब आप इसका यूज फॉर्मेशन बनाने में या किसी और काम करने में आप कर सकते हैं। थैंक यू।